हेलो दोस्तों, मैं हूं मैनाक सिविल सेंटर से और सिविल सेंटर कंसल्टेंट चैनल के सपनों का घर का और एक एपिसोड आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉर्थ फेसिंग प्लान लगभग 1150 स्क्वायर फीट का। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हर वीडियो की तरह आपके पास रहेगा एक वास्तु टिप और एक इंजीनियरिंग टिप। तो अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये साइज देख सकते हैं, 38 फीट 6 इंचेस आप इंटू 30 फीट, ये आपका साइज है। उसके बाद आपका एंट्री करेंगे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन से। एंट्री करते ही आपको यहाँ पे हॉल मिल जाएगा। यहाँ पे हॉल में देखिए, आपका इधर आपका किचन है और किचन के सामने आप यहाँ पे डाइनिंग एरिया रख सकते हैं और यहाँ पे आपका लिविंग रूम रख सकते हैं। और आपका ये डाइनिंग एरिया के लिए यहाँ पे आपका वॉशरूम भी दिया गया है। उसके बाद आपका दोस्तों आ जाएगा 2 बेडरूम, स्टैंडर्ड साइज के बेडरूम से 12 इंटू 11 फिट, 12 फिट 7 इंच इंटू 11 फिट। दोनों बेडरूम के साथ आपका अटैच टॉयलेट है। यहाँ पे पोर्टिको है, पोर्टिको में आपका जैसे 13 फिट इंटू 12 फिट 6 इंच है, जिसमें आपका एक फोर व्हीलर और आपका दो या तीन टू व्हीलर्स आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा एक पूजा रूम। पूजा रूम का साइज 6 फिट 7 इंच इंटू 6 फिट 7 इंच है। तो यहाँ पे बिल्डिंग के आपके वास्तु के हिसाब से हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूजा रूम देख सकते हैं आप, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जो कि आपका ईशान कोण में है। पूजा रूम के लिए बहुत सही लोकेशन पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किचन है, किचन भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, अग्नेय कोण में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। मास्टर बेडरूम यहाँ पे ये वाला आपका आ जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम, क्योंकि आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है घर के हेड को, जो कि डिसीजंस लेने में ज़रूरत पड़ता है। तो ये हो गया सारे बेडरूम्स के वास्तु। उसके बाद टॉयलेट का पोजिशन देखते हैं हम लोग। टॉयलेट देखिए साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में है। जनरली टॉयलेट साउथ और वेस्ट डायरेक्शंस में ही होते हैं। और ये वाला टॉयलेट देख सकते हैं, जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये वाला टॉयलेट भी आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। तो दोनों दोनों टॉयलेट का वास्तु भी आपका सही है। एंड अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेयर केस का। तो दोस्तों, नॉर्थ स्टेयर केस कभी भी अच्छा माना नहीं गया है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि जो आपका घर का नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट है उसको लाइट रखना चाहिए। एंड आपका जो स्टेयर केस है घर के सबसे हैवी एलिमेंट्स में माना जाता है। तो आज के वास्तु टिप में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अगर आपको नॉर्थ में स्टेयर केस प्रोवाइड करना है तो उसका जो वास्तु इफेक्ट है, वास्तु दोष है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सके। तो दोस्तों, जैसे ये वाला पहले आप स्टेयर केस देख रहे हैं, ये वाला क्लॉकवाइज तो है, बट यहाँ पे जो हम लोग आपका स्टेप्स जा रहे हैं तो ये आपका वेस्ट टू ईस्ट है। तो आपका, हम लोग जानते हैं आपका वेस्ट टू ईस्ट एनर्जी फ्लो अच्छा नहीं होता। या तो आपका नॉर्थ टू साउथ जाइए या तो ईस्ट टू वेस्ट जाइए। तो इसको स्टेयर केस को हम लोग मिरर कर सकते हैं। हम लोग ऐसे चढ़ सकते हैं आपका क्लॉकवाइज, तो मिरर कर देंगे तो एक इफेक्ट तो आपका कम हो जाएगा सबसे पहले, कि हम लोग ईस्ट टू वेस्ट चढ़ेंगे। और दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घर का एंट्री तो नॉर्थ फेसिंग है, जो कि अच्छा है। और बट आपका स्टेयर केस जो है बस प्रॉब्लम है। तो स्टेयर केस का हम लोग वेट कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। जनरली हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, स्टेयर केस के एक दो स्टेप हम लोग ब्रिक से बना के उसके बाद हम लोग आपका आरसीसी स्टार्ट करते हैं। तो वो ना करके हम लोग डायरेक्टली आपका, जब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग का पीसीसी नॉर्मल फ्लोरिंग रहेगा, वहीं से हम लोग आपका एक बीम दे के, यहाँ पे एक बीम दे के वहीं से हम लोग रॉड निकाल के स्टार्ट कर देंगे। तो कोई लोड जो है हम लोग का यहाँ पे फ्लोर में नहीं रहेगा। बाकी जो स्टेयर केस अंदर जाएगा, यहाँ पे 10 इंच का वॉल है, 10 इंच के वॉल के अंदर यहाँ पे स्टेयर केस आ जाएगा। और आपका इसमें यहाँ पे कोई लोड नहीं होगा, कोई ब्रिक का हम लोग कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट हम लोग बीम से रॉड निकाल के राइज एंड ट्रेड टाइप जो स्टेयर केस है वो वाला हम लोग बना देंगे। पूरा हम लोग का लोड कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, जैसे हम लोग का राइज एंड ट्रेड टाइप स्टेयर केस होता है, ऐसे करके रहेगा। एंड इसका भी खुद का भी एक विड्थ रहेगा ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके ये आपका, और दूसरा जो नॉर्मल जो स्टेयर केस रहता है ऐसे रहता है, वेस्ट वेस्ट स्लैब टाइप जो स्टेयर केस हम लोग बोलते हैं ऐसे रहता है। ये जो नीचे एक स्लैब है और ऊपर ऐसे ऐसे जाता है, जो कॉमन मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होता है ऐसे होता है। तो इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस टाइप का जो स्टेयर केस का। हम लोग ये वाला स्टेयर केस यूज़ करेंगे राइज एंड ट्रेड, जिसमें आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड डायरेक्ट हम लोग बीम से स्टार्ट करेंगे, कोई हम लोग इसके लिए फाउंडेशन वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइप का स्टेयर केस रहेगा। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लोड कम कर सकते हैं। तो लोड यदि कम हो जाएगा तो थोड़ा सा इफेक्ट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वास्तु बोलता है हम लोग का जो नॉर्थ डायरेक्शन में, उसमें बिल्डिंग में हैवी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। एंड हम लोग स्टेयर केस वन ऑफ द बिल्डिंग के हैवी एलिमेंट्स हैं।
तो ये वाला टेक्निक अगर आप फॉलो करेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे लोड कम कर सकते हैं, एंड अगर इसको अगर आप मिरर कर देंगे तो डेफिनेटली आपका जो हम लोग का जो स्टेप्स में चलेंगे वो हम लोग का ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, जो कि बेटर एनर्जी फ्लो हम लोग को देगा। तो ये दो चीज़ फॉलो करके हम लोग इसका आपका आइडियली चेंज कर सकते हैं। बट ये भी आप पूछेंगे, अगर आप ये जानते हैं तो हम लोग ये ऐसा प्लान क्यों बनता है, क्योंकि ऐसा प्लान इसलिए बनता है, देखिए आपका जब एरिया लिमिटेड होता है तो कुछ चीज़ें हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, बाकी है सब चीज़ तो यहाँ पर वास्तु के हिसाब से है, बस एक स्टेयरकेस नहीं है। तो स्टेयरकेस का लोकेशन अगर हम लोग आपका साउथ, जो साउथ में, साउथ वेस्ट में, और अगर आपका जो ये वेस्ट में, इन तीन लोकेशन में अगर हम लोग देंगे तो कोई ना कोई आपका रूम यहाँ पे छूट जाएगा और हम लोग का स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसलिए कभी कभी देना पड़ता है। तो अगर हम लोग को बाई चांस देना पड़े तो इन सब चीज़ों से हम लोग थोड़ा सा इसका इफेक्ट भी कम कर सकते हैं, नहीं तो आइडियली तो साउथ या वेस्ट में ही स्टेयरकेस होना चाहिए, क्योंकि ये एक हैवी एलिमेंट है। तो दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा हमको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे वास्तु टिप्स के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग का वास्तु टिप हो गया आपके स्टेयरकेस के बारे में, इंजीनियरिंग टिप भी हो गया कि कैसे हम लोग इस वास्तु एलिमेंट को, वास्तु दोष को कम कर सकते हैं यूजिंग सम इंजीनियरिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम लोग रिप्लाई करेंगे। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई ना कोई जो आपके फ्रेंड्स है उनको भी आइडिया हो जाए, कुछ ना कुछ आइडिया ले पाए, ताकि वो भी बनाए अपने सपनों का घर। इसी सोच के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। जहाँ भी हैं आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय।